Hello students, hope you all are doing well and enjoying your online classes with me, Ayesha Joshi ma'am. आज जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपके पॉलिटिकल साइंस पार्ट बी के यूनिट टू का चैप्टर वन है. यूनिट पॉलिटिकल साइंस की जो पार्ट बी है उसका ऑलरेडी यूनिट वन हम कंप्लीट कर चुके हैं. थ्री चैप्टर्स है उसमें, तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं. यूनिट टू का फर्स्ट चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पार्लियामेंट जो है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट है हमारी, पार्लियामेंट टू पार्ट्स में डिवाइड है, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड है और इन टू पार्ट्स को कैसे डिवाइड किया गया है, इसके मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, ये चीजें हमने कल डिस्कस की. हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली, कौन कौन मेंबर हो सकते हैं इसके, मेंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, इसके बारे में हमने, उसके बाद में हमने ओथ के बारे में डिस्कस किया, ओथ को डिस्कस किया. ओथ को डिस्कस करने के बाद में हमने इसके सेशंस को पढ़ा, सेशंस के बाद में हमने इसकी लैंग्वेजेस को लिया, लैंग्वेज के बाद में हमने इसके जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है हमें, कोरम के ऊपर. बेसिकली कोरम क्या है, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन दी होम हाउस, है ना. जो ये लोकसभा या राज्यसभा के अंदर एटलीस्ट इतने मेंबर तो होने ही चाहिए, तो मिनिमम मेंबर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं इनके अंदर, हाउसेस के अंदर, वो कोरम कहलाता है. मतलब कि मान लो कि राज्यसभा के अंदर 200 सीटें, ठीक है, 200 में से इतनी सीट, वन थर्ड सीट तो होनी ही चाहिए, मतलब वन फोर्थ सीट मान लो, या तो ये जो भी मतलब उनका एक जो डेटा होता है, उतनी तो होनी ही चाहिए. अगर उतनी होती है तभी ये सेशन होगा, वरना सेशन स्टार्ट नहीं होगा. तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है, जो प्रेजेंट होने जरूरी है हाउसेस के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, कोरम कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, कोरम, QURORUM, ठीक है, कोरम कहलाते हैं. उसके बाद में लैंग्वेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है. और अगर बाय चांस कोई ऐसा मेंबर है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं जानता, तो उसके लिए फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपने कोई भी जो नेटिव लैंग्वेज है आपकी, आप उसे यूज कर सकते हैं. आपके लिए वहाँ ट्रांसलेटर अवेलेबल होगा, वो आपके ट्रांसलेट करके लैंग्वेज को इशू कर देगा, ठीक है, या एक्सप्लेन कर देगा. नेक्स्ट हम बात कर रहे थे राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल. मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल को क्या क्या अधिकार होते हैं. इन एडिशन टू द मेंबर्स ऑफ हाउस, एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू स्पीक. हर एक मेंबर जो है हाउस का, चाहे वो लोकसभा का मेंबर है, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है, उसे पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात को हाउसेस में रखे, सेशन में रखे, पार्लियामेंट में रखे, मेंबर्स के सामने रखे. आपको पता होगा अभी काफी इश्यूज चल रहे हैं, फार्म बिल पेश किया गया, उस फार्म बिल के ऊपर जो है 8 MPs ने जो है अपने टॉपिक्स बताए, अपने पॉइंट्स बताए, और उन पॉइंट्स के बेसिस पर उनको क्या कर दिया गया कि आप नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया पार्लियामेंट से. तो वो बिल्कुल गलत एक्शन था, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था, ठीक है. क्यों, क्योंकि हर MP MLA को, हर उस मेंबर जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, चाहे वो लोकसभा का है चाहे राज्यसभा का है, उसे पूर्ण अधिकार है कि वो अपनी बात को रख सकता है, अपने आप अपने विचारों के अभिव्यक्ति कर सकता है, और आगे हाउस के अंदर किसी भी हाउस में जो भी प्रक्रियाएं होती, जो भी काम होते हैं, कोई भी कमेटी बैठती है, कुछ भी होता है, तो उसका एज अ मेंबर उसके अंदर पूरा पूरा उसका अधिकार बनता है सब कुछ जानने का और सब कुछ बताने का, ठीक है. अब हम बात करेंगे, चलो हमने ये कॉमन बातें तो सारी कर ली, अब हम देखेंगे कि सबसे पहला आता है अपर हाउस. राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है. तो ये अपर हाउस जो है वो बनता कैसे है, राज्यसभा कैसे बनती है. तो देखिए, राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, कंटिन्यूइंग चैम्बर है, कंटिन्यू चलता रहता है राज्यसभा, ठीक है. इसके अंदर ये एक परमानेंट बॉडी है, इसको भंग नहीं किया जा सकता. लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती कभी भी. तो परमानेंट बॉडी है एंड नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्यूशन, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है. हाउएवर वन थर्ड ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल इसके एक तिहाई मेंबर क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं. मान लीजिए आपने आज ज्वाइन किया, ठीक है,
आपने आज ज्वाइनिंग की, आपका जो टेन्योर है उस टेन्योर के बेसिस पे, जैसे ही एक ने कल ज्वाइनिंग की है मतलब अगले साल, उससे अगले साल, दो ने उससे अगले साल, तो जब तक इनका नंबर आएगा तब तक आप क्या हो चुके होंगे, रिटायर। मतलब हर 1/3 मेंबर जो है हर दूसरे साल क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं इसके, ठीक है। उसके अलावा फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, नए नए मेंबर्स को फिल किया जाता है, सीट्स के लिए अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन जो है हर तीसरे साल में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे कि मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है, फिल किया जाता है। रिटायरिंग मेंबर्स जो होते हैं वो एलिजिबल हैं, वो भी वापस इलेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं, वापस इलेक्ट हो सकते हैं, वापस लोकसभा वापस राज्यसभा का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। आज एट प्रेजेंट जो है राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, 245। राज्यसभा में एट प्रेजेंट कितने मेंबर है, 245 मेंबर्स हैं, जिनमें से 229 मेंबर्स जो है वो एट प्रेजेंट सीट भरी हुई है। अभी तक जो 245 सीट्स हैं इनमें से 249 भरी हुई, इस पे ऑलरेडी हैं लोग, अभी मेंबर्स बैठे हैं, है ना। चार रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होते हैं जो यूनियन टेरिटरी के होते हैं, कहाँ से होते हैं, यूटी से, यूनियन टेरिटरी से। इसके अलावा 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करता है कि इस पर्सन को राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, प्रेसिडेंट खुद ये सारी चीजों को सिलेक्ट करता है। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा शेड्यूल काम करता है इस पर, फोर्थ शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल काम करता है, फोर्थ शेड्यूल, वो ये बताता है कि राज्यसभा में कितनी सीट्स होनी चाहिए, जिसमें से स्टेट्स को कितनी मिलनी चाहिए और यूनियन टेरिटरीज को कितनी मिलनी चाहिए। आपको पता है 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, और अब उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर कितने कितने मेंबर सेलेक्ट होंगे, कितने कितने मेंबर राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें कौन सेलेक्ट करता है या किसके द्वारा बताई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ शेड्यूल द्वारा। क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करेंगे इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है, अभी तो हमने सुन लिया, हर दूसरे साल रिटायर होते हैं 1/3 मेंबर, और उनका क्या होता है, तीसरे साल नए इलेक्शन होते हैं। तो अब इलेक्शन कैसे होते हैं भाई, नॉर्मल हम तो राज्यसभा के लिए कभी वोट देते नहीं है, तो राज्यसभा के इलेक्शन ऐसे नहीं होते। राज्यसभा के इलेक्शंस के अंदर लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, लोअर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं, एमपी, वो सारे एमपी जो है उसका हिस्सा बनते हैं। मतलब लोकसभा के सारे मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा का हिस्सा बनते हैं, एमपी, एमएलए जो भी मेंबर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो सब मिलकर के और राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट देते हैं। और वोट देने वन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति के आधार पर क्या किया जाता है, वोट दिया जाता है। तो कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है, राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं तो किस पर बेस्ड होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के बेसिस पर। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, उस सिस्टम के बेसिस पर क्या होता है, इलेक्शन। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। उसके बेसिस पे वोट होते हैं, सीट्स राज्यसभा के अंदर अलोकेट की जाती है पॉपुलेशन के मुताबिक, जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सीट्स अलोकेट की जाती है। मतलब कि 245 सीट्स जो है वो हमारी इंडियन पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड की गई है, ठीक है। उसके बाद में टेन्योर क्या होता है राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा का एक परमानेंट हाउस है राज्यसभा, ठीक है, इज नॉट ऑब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन। इसे कहीं किसी भी स्तर पे भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा भंग नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती। इसलिए इस कंसर्न को देखते हुए उसके मेंबर्स जो है वो रिटायर होते हैं, हर दूसरे साल रिटायर होते हैं और तीसरे साल नए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा में कब तक रहते हैं, 6 साल तक। कोई भी अगर आप इलेक्शन में जीत गए और राज्यसभा के मेंबर बन गए तो कितने टाइम के लिए बनेंगे, अब 6 ईयर्स के लिए। फिर ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। आपको अधिकार भी है, वापस भी आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, है ना, तो उसके साथ ही उसके मेंबर भी बन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑफिशियल्स। तो सबसे पहले तो ऑफिशियल्स की बात करने से पहले आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, आपको जैसा समझ में आ रहा है एक बार उसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो राज्यसभा जो होता है इसके मेंबर्स की अगर बात की जाए तो इसके जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन और जो हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन वगैरह,
वो आर्टिकल 64 और 89 के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। इसके मुताबिक जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट विल बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। राज्यसभा समझ में आ गया पूरा, अब हम बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा में क्या होता है, देखो बच्चों बहुत क्लियर चीज है, बहुत सिंपल चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपके एग्जाम में आती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको वो आपके एग्जाम में आएगा, है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा जो है वो कितनी है। पहली बात तो इसके मेंबर्स पढ़ लिए हमने 245, इसके मेंबर्स कितने हैं 445। लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सॉरी 552 होते हैं, 552 मेंबर्स जो है वो मैक्सिमम इसके हो सकते हैं लोकसभा के, सीट्स डिसाइड की गई। अब उसमें से भरी हुई कितनी है तो 530 मेंबर्स जो होते हैं, देखो अब इसमें से अलोकेशन कैसा होता है, 530 मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट से होते हैं। कहाँ से होते हैं 530 मेंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, स्टेट से होते हैं, जबकि 20 मेंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, यूटी से, यूनियन टेरिटरी से होते हैं। 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से होते हैं, 530 मेंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, स्टेट से। इसके अलावा जो दो मेंबर्स हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं, कौन होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं, एंग्लो इंडियंस, और उन्हें डायरेक्ट कौन सेलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट। एंग्लो इंडियंस होते हैं और किसके द्वारा सेलेक्टेड होते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। तो ओवरऑल देखो कितने हो गए 552, है ना। तो 552 मेंबर्स जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के अंदर होते हैं, समझ में आ गया। वोटिंग एज जो होती है 21 से 18 वर्ष की होती है, अपन लोगों को भी पता है, अपन लोग खुद अपने नेता को चुनते हैं 18 वर्ष, जो अपन अपन जो लीडर्स चुनते हैं, अपन जो अपने वार्ड मेंबर्स एमपी एमएलए वगैरह जो सॉरी सेलेक्ट करते हैं चुनते हैं, वो सबको किसके मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं, और फिर लोकसभा के मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स को सुनते हैं चुनते हैं या सेलेक्ट करते हैं और इलेक्शंस के थ्रू, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स मिल करके किसको सेलेक्ट करते हैं, उससे ऊपर प्रेसिडेंट या जो पीएम होता है उसे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। प्रेसिडेंट जो है दो कोई भी दो मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है एंग्लो इंडियन के तौर पे जो उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, राज्यसभा के लिए वो मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसको एक्सटेंड किया गया था 95th अमेंडमेंट के थ्रू, जो डेट ओरिजिनली जो उनको प्रोवाइड की जाती है सर्विसेज उसको अमेंडमेंट किया गया है रिसेंटली 95th अमेंडमेंट, ठीक है, उसके थ्रू। अब हम बात करेंगे टेन्योर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, समय सीमा कितनी होती है। तो अनलाइक द राज्यसभा एंड लोकसभा इज नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, लोकसभा जो है वो राज्यसभा की तरह कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं होता है, मतलब कंटिन्यू चलने वाला चैम्बर नहीं होता है, इसे भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। 5 साल का इसका टेन्योर होता है और हर साल जो है लेट फॉर द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन, इलेक्शन होने के बाद पहली बार इसकी मीटिंग होती है, ऑटोमेटिकली वहाँ मेंबर्स को डिसॉल्व कर दिया जाता है, वहाँ लोकसभा भंग कर दी जाती है। उसके बाद में 5 साल तक इसका जो है टेन्योर होता है, कंप्लीशन 5 साल कंप्लीट होते ही हर मेंबर अपने आप राज्यसभा भंग लोकसभा जो है भंग हो जाता है। देखो इसके अंदर जो मेंबर्स है परमानेंट मेंबर्स है ना, इसके अंदर परमानेंट नहीं, अपन ने जो सेलेक्ट किए हैं वो कितने होते हैं 5 साल के लिए सेलेक्ट करते हैं, अपन इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन के थ्रू प्रोसीजर के थ्रू इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को, वो मेंबर्स कितने साल के लिए होते हैं 5 साल के लिए, 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होने के बाद में इसका कोई रोल नहीं होता, अपने आप नई सरकार आएगी, उसके जो नए मेंबर्स चुने जाएंगे उनसे एक नया लोकसभा बन जाएगी, ठीक है। ये शेड्यूल होता है। लोकसभा स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के थ्रू उनके स्पीकर और जो है अदर मेंबर्स को चुना जाता है। व्हेनेवर द ऑफिस ऑफ द स्पीकर फॉल्स वेकेंट, जब भी किसी स्पीकर का ऑफिस खाली है, वहाँ कोई मेंबर नहीं है, मतलब कि लोकसभा में स्पीकर ही अवेलेबल नहीं है, है ना,
तो उस कंडीशन में वहाँ पे इलेक्शन किया जाता है। इस कंडीशन को फिक्स करने के लिए जो प्रेसिडेंट है वो डिसीजन लेते हैं, वो जो है फिक्स करते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्शन किया जाता है, उसके बेसिस पे इसका स्पीकर सेलेक्ट किया जाता है। लाइक द डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय लोकसभा इटसेल्फ। लोकसभा खुद ही अपना स्पीकर चुनता है, अपना डेप्यूटी स्पीकर चुनता है। बस जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अगर किसी समय पोस्ट खाली है, नहीं अवेलेबल है लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट जो है वो ये डिसीजन लेता है कि इसके अंदर स्पीकर कौन होना चाहिए। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है, उसके ऑफिस का सारा कार्यभार भी संभालता है जब वो खाली हो, मतलब स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर का सारा कार्यभार संभालेगा। ठीक है, उसके बाद में अब पार्लियामेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है लेजिस्लेटिव फंक्शन, दूसरा होता है फाइनेंशियल कंट्रोल, तीसरा होता है एक्सरसाइजिंग एंड कंट्रोल ओवर द कैबिनेट, और फिर होता है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वर्क ऑफ कैबिनेट। ये चार पांच तरह के और भी वर्क्स होते हैं, कई सारे काम होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको पता है, अभी रिसेंट इश्यूज चल रहे हैं, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, काफ़ी सारे पार्लियामेंट में खूब सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। पार्लियामेंट हमारी सरकार है और हमारी सरकार ही सारे डिसीजन लेती है, देश के सारे डिसीजन, देश के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है, सरकार लेती है। तो वो कहाँ लेती है, पार्लियामेंट में लेती है। पीएम अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं ले सकता जब तक कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस ना ले ले। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ है, राज्यसभा लोकसभा पार्लियामेंट में ही तो है मेंबर्स, तो वो मेंबर्स मिलकर के इकट्ठे होकर लोकसभा और राज्यसभा सभी के मेंबर्स को मिला करके एक मत करते हुए डिसीजंस को पास किया जाता है। चीज़ें क्लियर हो गई आपको, राज्यसभा और लोकसभा की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके जो फंक्शंस है पार्लियामेंट के, जो भी मैंने आपसे डिस्कस की, लेजिस्लेटिव फंक्शन, फाइनेंशियल कंट्रोल, ये बिल पास करना वगैरह, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक आप वेट कीजिए और जो चीज़ें अब तक हमने की है उनको रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए जितना हो सकता है, अपनी कॉपी के अंदर प्रैक्टिस कीजिए और इन चीज़ों को याद कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा राज्यसभा तो मैं आपको बता देती हूँ, आपके पॉलिटिकल का पार्ट बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसकी जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान रखना है आपको कि आप रेगुलर बेसिस पे इनको फॉलो कीजिए, ये सारे वीडियोस देखिए, इनके बेसिस पे चलिए और इनसे आप इनसे ही पढ़िए। ठीक है, इनसे नोट्स प्रिपेयर कीजिए, आपको कहीं से भी लोकसभा राज्यसभा के बारे में आप गूगल कीजिए और कई चीज़ों पर ढूंढिए, नेट ब्राउज कीजिए आप, जिससे कि आप चीज़ों को क्लियर कर सकें कि लोकसभा और राज्यसभा के। यूट्यूब पे वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं, आप उनको देखिए और मेरे इस वीडियो के बेसिस पर भी आप नोट्स बनाइए। वैसे अपनी जो है कंसल्टेशन बेसिस पे और गाइडेंस बेसिस पे क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है कल से, तो उन क्लासेस में अवेलेबल रहिए आप, जिससे कि आपके डाउट्स या सेशन जो है क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।